नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं अक्षय जी, उन्होंने मुझे इतनी बार रिक्वेस्ट किया और आज तो एक ऐसा कमेंट किया कि मैंने अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ के सोचा कि भाई के लिए अब वीडियो बना ही डालते हैं, क्योंकि उनका कमेंट था कि जब से 10,000 आपके सब्सक्राइबर थे तब से मैं जुड़ा हुआ हूं। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, इस लायक समझा कि आप मेरे साथ जुड़े हैं, और मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जो मेरे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं। लेकिन किसी कारणवश उन भाई की मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैंने कहा था कि मैं बनाऊंगा, लेकिन क्योंकि वीडियो पाइपलाइन में थी, बहुत सारी वीडियो लगी हुई थी एक के बाद एक, तो आज ही मौका आ गया है कि मैं इस बारे में वीडियो आपको बनाऊं। तो सबसे पहले इस प्रतंगिरा माँ के वीडियो के बारे में जानने से पहले, माँ निकुम्बला जी के बारे में जानने से पहले, हम कुछ टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये इसी से ही रिलेटेड है और आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, और उन ज्ञान के बारे में मैं आपको बताता हूं। उससे पहले अगले 7-8 मिनट जो भी मैं बात बोलूंगा, मेरे पीछे जो देवता है आप देख सकते हैं, पवन पुत्र हनुमान जी हैं और पीछे आदिदेव महादेव हैं, तो उनकी कसम खाकर जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये जरूरी है, और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं सही ज्ञान दूं। बाकी कौन क्या कर रहा है, आप किसका चैनल देख रहे हैं या किसका देख के आए, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर आप मेरे से जुड़े हैं और मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सही कंटेंट और सही ज्ञान ही दूं। तो एक क्वेश्चन हमेशा निकल के आता है, कि जब भी कोई किसी की साधना देखता है, जैसे उसने यूट्यूब पे देखा कोई बड़ी साधना तो वो साधना करेगा, कोई बड़ी और दूसरी साधना देखी तो वो साधना करेगा, तो उसके दिमाग में ये आता है कि ये मैं साधना कर लूं तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तो लेकिन आपको एक बात समझने की जरूरत है कि साधना का मार्ग निरंतर प्रयास का है, जंप मारने का नहीं, यानी एक बार में कूदने का नहीं, निरंतर हमें आगे बढ़ते रहना होता है। जैसे एक कुल्हाड़ी से अगर आप एक बार पेड़ पर प्रहार करते हैं तो कभी भी पेड़ नहीं कटेगा, लेकिन अगर आप बार बार प्रहार करेंगे तो वो पेड़ कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको साधना के मार्ग पे निरंतर बढ़ते रहना है, किसी को देखकर किसी को सुनकर सीधे बड़ी साधनाओं पे नहीं कूदना है, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि आप उस शक्ति को संभाल पाएंगे या उसके मंत्र की शक्ति को संभाल पाएंगे, उसके गणों को आप संभाल पाएंगे। क्योंकि जब भी आप किसी एग्जाम में भी बैठते हो तो डायरेक्ट यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं, पहले आप 10th पास करते हैं, फिर आप 12th पास करते हैं, फिर आप ग्रेजुएशन करते हैं, फिर उसका कभी कभी आपने सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर आप बाहर कोचिंग सेंटर में जाते हैं और तब जाके आप यूपीएससी क्लियर करने का सोचते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। तो ये बात आप लोग समझिए, बहुत जरूरी है इसी से रिलेटेड, क्योंकि ये साधना के बारे में जो अब मैं आगे बताऊंगा तो बहुत जरूरी है। अगली बात आती है, मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं कि माँ काली से डरने की जरूरत नहीं है, इन भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, वो तो माँ है। ये अक्सर एक कमेंट मर जाता है। माँ काली और माँ जगत जननी, जो माँ अंबा है, जिन्हें हम माँ पार्वती के नाम से जानते हैं, उन्हीं के बहुत सारे रूप हैं, माँ काली, माँ संसान काली, माँ दक्षिण काली। तो एक बात आप जान लीजिए कि जब भी आप माँ की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, माँ से प्यार करते हैं अपने घर में भी, तो माँ भी आपसे प्यार करती है, लेकिन वही माँ क्रोधित भी हो जाती है, झाड़ू भी मारती है, चप्पल भी मारती है, तमाचे भी मारती है, थप्पड़ भी मारती है। लेकिन अगर आप किसी पराशक्ति को चैलेंज करते हैं तो उनके गण आपको नहीं छोड़ते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना हो गया, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि उस शक्ति का प्रयोग क्यों किया गया है। आप कभी भी छिन्नमस्ता माँ की साधना अपने घर में नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, छिन्नमस्ता भी तो माँ उसी का रूप है, लेकिन उनका जन्म क्यों हुआ, आपको समझने की बात है। अब काली की पूजा कभी घर में नहीं की जाती है, करी जाती है तो उसके एक तरीके होते हैं, कौन सी काली को पूजना, कैसे पूजना, ये आपको समझना जरूरी है। दूसरी बात, अभी जो मैं साधना के बारे में बताऊंगा वो साधना भी घर में नहीं की जाती है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जैसे आप अपने घर में, आप देखिए एक छोटा सा इसी के साथ एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं, बिल्ली, बिल्ली को अगर आप अपने घर में पालते हैं, मासूम है, छोटी है, लेकिन उसके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपको जान से वो मार दे, है ना, कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन अगर उसी की प्रजाति आप, जो उसी की स्पीशीज है, यानी उसी की जाति है, उसी की नस्ल है, आप बाघ चीते को रखते हैं,
तो क्या उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी? तो वो खा जाएगा, क्योंकि उसका काम वही है। तो आपको यह समझना है कि आपको किसकी पूजा करना है। जब मां काली के, मां भगवती के इतने सारे रूप हैं, तो आपको ऐसे की ही पूजा क्यों करना है जिससे आपको शक्ति मिले? आप तो जिसका भी मन से पुकारेंगे वही आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब शास्त्रों में लिखा गया है कि क्रुद्ध देवी देवताओं की पूजा अपने घर में नहीं होती है, तो मत करिए, इससे मत खेलिए। तंत्र की शक्ति स्पेल जैसी होती है। अब आता है मेन टॉपिक। हमारे दो चीजें होती हैं हमारे तंत्र में, एक होता है ब्रह्म ज्ञान और एक होता है सिद्धि ज्ञान। अभी जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है, सिद्धि मिलने की, सवारी मिलने की, दिव्य शक्तियों के संकेत, ये सब सिद्धि ज्ञान है। इसका मतलब आपके अंदर कोई मनोकामना है और उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको सिद्धि चाहिए। इसमें कभी भी आपको नारायण नहीं मिल सकते हैं। दूसरा आता है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का मतलब आपके अंदर ब्रह्मा का ज्ञान आ चुका है, आपको सब बातें पता चल चुकी है, अब आपको किसी चीज का मोह नहीं रहा। आपको अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाना है, तब आपको नारायण मिलेंगे, लेकिन माया नहीं मिलेगी, तो डिसाइड कर लिया है। लेकिन आज के समय में 90% लोग को केवल सिद्धियां चाहिए है और 10% लोगों को नारायण चाहिए है। तो जिन्हें नारायण चाहिए वो नारायण पाए, जिन्हें सिद्धियां चाहिए उन्हें सिद्धियां पाए। लेकिन एक बात कंफर्म है कि जब नारायण चाहेंगे या फिर सिद्धियां चाहेंगी, तब ही वो आपको फल मिलेगा, क्योंकि साधनाएं अपने ऊपर छोड़ देती हैं कि उन्हें कब आपके पास आना है, कब नहीं आना है। और इसमें आपके पिछले जन्म के कर्म बहुत डिपेंड करते हैं। किसी की कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह होते हैं तो ऐसा इंसान सुखों को भोगता है और चीजों से विमुख हो जाता है और भगवान की तरफ ध्यान नहीं देता, तो उसके अगले जन्म के कर्म खराब होते चले जाते हैं। इस समय वो पिछले का भोग रहा है। लेकिन अगर उसके पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं, इस समय वो भोग रहा है, फिर भी पूजा पाठ में जाता है, तो वो जो भी मंत्र में हाथ डालेगा वो मंत्र स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए कुछ लोगों के मंत्र स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। तो ये थी बात। अब बात करते हैं साधना का मेन पड़ाव, मां निकुम्बला। मां निकुम्बला जो कि रावण की कुल देवी थी, मां निकुम्बला जिन्हें हम देवी प्रत्यंगिरा के नाम से जानते हैं, मां निकुम्बला जिन्हें हम अथर्वन के नाम से भी जानते हैं और जिन्हें हम काली का ही एक रूप है, भद्र अथर्वन काली के नाम से भी जानते हैं। और इसी के साथ देखिए, हम मां प्रत्यंगिरा को ऐसे समझते हैं, जो मां प्रत्यंगिरा है उनका जो स्वरूप है, उनका जो रूप है, वो नीचे जो हिस्सा है धड़ का वो महिला का है, ऊपर का हिस्सा एक लायन मेल का है, यानी सर जो है वो एक लायन मेल का है और नीचे का हिस्सा एक फीमेल का है। अब ये क्यों शक्तिशाली है? क्योंकि इसमें शिवा और शक्ति दोनों की सम्मिलित एक साथ शक्ति है, यानी दोनों की शक्ति है, प्रचंड रूप है। यह ब्राह्मणों का उग्र रूप होता है और ऐसा कहा गया है, और वेदों में भी इनका नाम लिया गया है, और दुर्गा में इन्हें चंडी का पूर्ण स्वरूप माना गया, जो चंडी माँ है उनका यह पूर्ण स्वरूप है, है ना। और इन्हें सिद्ध लक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं, और इनकी पूजा पाठ मोक्ष के लिए नहीं होती है, इनकी पूजा पाठ कामना और सिद्धि के लिए होती है। इनकी पूजा पाठ में आप एक बात जान लीजिए, बहुत ही आपको संभल संभल कर चलना होता है। यह पूजा कभी भी आप घर में नहीं कर सकते हैं। इस पूजा को करना, जैसे कहते हैं ना प्रोहिबिटेड, वही है, बिल्कुल एकदम निषेध है। जब तक आपके पास एक अच्छा गुरु नहीं है, जब तक आपके पास कोई जानकार गुरु नहीं है, कोई भी पंडित इसमें ऐसे ही हाथ नहीं डाल देता। पंडित का मतलब यहां पर शुक्ला मिश्रा द्विवेदी त्रिवेदी से नहीं है, पंडित का मतलब है जो डायरेक्ट अभी तक पूजा पाठ करते आया, जिसने कभी साधना की ही नहीं है, वो नहीं हाथ डाल सकता है। वही इंसान कर सकता है जो तंत्र में या तो महारत हासिल किए हो, जिसने बहुत सारी साधनाएं कर रखी हो, जिसका जब तक का लेवल अच्छा हो, तब वो हाथ डालेगा तो उसे बहुत कुछ मिलेगा, अन्यथा कुछ भी नहीं मिलेगा। यह जो स्वरूप है यह मानव और आपका जो पशु होता उसका सम्मिलित स्वरूप है। इसका मतलब इसके अंदर अवगुण भी है और निर्गुण भी है। अब अवगुण और निर्गुण होने के साथ ये दो तरीके से पूजी जाती है, यानी ये वेदों के रूप से पूजी जाती है, तंत्र में भी पूजी जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी किसी की काट नहीं जो मां प्रत्यंगिरा यानी निकुम्बला यानी मां काली ना कर पाए। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना है कि यह जो मां निकुम्बला जी हैं, यह कैसे शक्तिशाली हैं इतनी ज्यादा। देखिए, जब रामायण चल रही थी तो जो इंद्रजीत था यानी मेघनाथ, वो अपने गुरु की तपस्या, मतलब अपने गुरु के आदेश से तपस्या कर रहा था, एक ऐसा यज्ञ कर रहा था कि किसी तरीके से मां निकुम्बला को मना ले। और निकुम्बला के बारे में ऐसा बताया गया था कि निकुम्बला जब मां किसी से प्रसन्न हो जाती थी तो वो क्या करती थी, उसी के साथ युद्ध में सम्मिलित हो जाती थी। तो अगर यह मेघनाथ जीत जाता, यानी ये यज्ञ को अगर वो जीत लेता, ये यज्ञ को संपूर्ण कर लेता, तब वो मां निकुम्बला उसके साथ
हो जाती, और जब वो हो जाती तो श्री रामचंद्र जी को बहुत ही मुश्किल होने वाली थी, यह बात श्री रामचंद्र जी जानते थे। तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को भेजा और किसी भी तरीके से उनकी वह साधना खंडित करवा दी। तो इसी तरीके से फिर लक्ष्मण जी ने विजय पाई मेघनाथ पे। तो अब बात करते हैं माणिकुमला जी की साधना के बारे में। सबसे पहले मैंने बता दिया है कि यह साधना आपको घर में नहीं कर सकते हैं। अगर आपको घर में करना ही है तो पहले आपने बहुत सारी साधना करी होनी चाहिए, और माणिकुमला साधना के लिए सबसे पहले तो आपका एक ही कमरा होना चाहिए जो एकांत केवल साधना के लिए बना हो। ऐसा नहीं है कि उसी में आप खाना खा रहे हैं, उसी में आप सोते हैं, उसी में साधना करें, सीधी बात नहीं हो सकती है। दूसरी बात, माँ निकुम्बला जी की साधना करने के लिए उग्र दिन होता है, तो उसका दिन आप चुनिए मंगलवार। कपड़े पहनने हैं आपको काले, अपने सामने नीचे जो आसन बिछेगा वो भी काला होगा। माँ निकुम्बला साधना के लिए आप अपने घर में, आप अगर नहीं है माँ निकुम्बला जी की फोटो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी रूप में निकाल सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो माँ पार्वती की फोटो रख सकते हैं, माँ दुर्गा की फोटो रख सकते हैं, सेम उन्हीं का ही रूप और स्वरूप है। उसी के साथ माँ दुर्गा को जितने भी भोग लगते हैं वो सारे भोग आपको अपने सामने रखने होंगे, जो आप माँ दुर्गा की प्रॉपर तरीके से पूजा करते हैं। उसके बाद जो मंत्र है वो दो प्रकार के मंत्र होते हैं, उनमें से कोई भी एक मंत्र आप चूज कर सकते हैं। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपर तरीके से इस वीडियो के अपलोड होने के बाद मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उन मंत्रों का, जो भी मंत्र है उनका आपको जाप करना होगा, आपको डेली इसकी 10 माला करनी है। और यह जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा प्रोसेस है। देखिए लंबा प्रोसेस है, क्यों लंबा है, क्योंकि इसमें 2 महीने लग जाते हैं पूरी साधना में, इतनी जल्दी नहीं होती है कि एक दिन में कंप्लीट हो जाए। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपने यह साधना करी और अगर आपने इससे पहले साधना नहीं करी होगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान ही मिलेगा, सिद्ध नहीं होगी। अगर आपने साधनाएं बहुत सारी की हुई है या फिर आपका कोई गुरु बहुत प्रकांड है, उससे आदेश लेके, उनसे सिद्धियां लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। यही मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था कि किसी की सुन सुना के डायरेक्ट साधना में मत कूदिए, पहले आप समझिए कि आप किस लेवल पे हैं। तो बात आती है कि माँ, जैसे आप दुर्गा की साधना करते हैं उसके बाद इस मंत्र का जाप करते हैं, मंगलवार का दिन होगा और समय जो होगा वो रात्रि का 8 बजे के बाद का आप चूज कर सकते हैं। आपका जो मुख होगा पूर्व मुख हो सकता है, आपका मुख पश्चिम भी हो सकता है, आपका मुख उत्तर भी हो सकता है, आपका मुख दक्षिण भी हो सकता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सभी दिशाओं में आप कर सकते हैं, क्योंकि सभी दिशाओं को वो अपने आप कंट्रोल करती है, क्योंकि समय भी है वो आदिशक्ति भी है। तो दिशा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंत्र का जाप करना है, प्रॉपर तरीके से आपके इसके रिचुअल्स होंगे और उसके बाद इसका हवन होगा, आपको पूरे अर्पण तर्पण मार्जन सब तरीके से पूरे करने होंगे। और आप एक बात जान लीजिए कि एक टाइम आपको भूमि पर सोना पड़ेगा, रात्रि के समय आप खाना नहीं खाएंगे, सबसे पहले माँ को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही आप उस समय यानी रात्रि के समय में केवल फल का आहार ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का शराब मदिरा नॉनवेज ये सब वर्जित है, आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप माँ की पूजा तांत्रिक तरीके से करते हैं तब आपको मीट भी चढ़ाना होगा, तब आपको हर दिन भोग लगेगा मीट का और उसी के साथ हर दिन भोग लगेगा शराब का, ये जरूरी है। लेकिन अगर आप वैदिक तरीके से करते हैं तो जैसा मैंने बताया वैसे करते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं, मैंने पहले बोला था कि दोनों तरीके से ही ये पूजी जाती है, दोनों तरीकों से ही इनका जाप होता है, दोनों तरीके से ही होता है, ठीक है। तो अब ये आप बात जान लीजिए कि जो माँ प्रत्यंगिरा है उन्हें हम अथर्वन भद्रकाली भी कहते हैं, और इन्हें सिद्धि लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है, जिनका एक फॉर्म गुहिया काली कहा जाता है। तो इन्हें आप गुहिया काली कह लीजिए या अथर्वन भद्रकाली कह लीजिए या फिर प्रत्यंगिरा कह लीजिए या फिर निकुम्बाला कह लीजिए, और आपको जो कहना है वो कह लीजिए। बहुत ही पावरफुल माता है, जगत जननी है, माँ पार्वती है, और जितने भी रूप है सब माँ पार्वती के ही है। और अब आप जान लीजिए जहां पर शिवा और शक्ति एक साथ मिल जाए तो फिर आप जान लीजिए कि क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं। तो बहुत कुछ कर सकती हैं, और यही इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य था कि आप लोग समझें केवल साधना का ही मार्ग नहीं है। देखिए साधना का मार्ग आपकी जिंदगी बना भी सकता है और उजाड़ भी सकता है, अब आप कैसे लेते हैं यह आपकी सोच के ऊपर है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मेरे को समझाना था, केवल साधना का ही मकसद नहीं था। सो आई होप अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान आई होगी, अगर नहीं आई होगी तो मुझे बताइए किस तरीके से आपके चेहरे पे मैं फिर से एक मुस्कान ला पाऊं। अभी के लिए मुझे याद दीजिए, और आप सभी लोग माँ प्रत्यंगिरा की कृपा से खुश रहिए, मनोकामनाएं अपनी पूरी करते रहिए और अध्यात्म में आगे बढ़ते रहिए। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलामुखी।